दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कूपन्स के बारे में। कूपन्स बेसिकली क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है और अमेजोन पे बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिक सेल लाने में कूपन हमारी किस तरह से मदद करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का ईकॉम ज्ञान। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यार आप लोग इसको शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ लाइक भी नहीं कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दो, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक तो कर ही सकते हो। दोस्तों आप में से ज्यादातर सेलर्स के ये कमेंट आते हैं कि अमेजोन पे जब हम कूपन क्रिएट करने जाते हैं तो वहां पे हमें तीन तरह का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, एक तो बाय वन गेट वन, मनी ऑफ, परसेंटेज ऑफ। तो ऐसे में हम कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा कूपन चला, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस प्रोडक्ट है, जैसे आपका प्रोडक्ट 2000-3000 का है, तो वहां पे आप कोशिश कीजिए आप मनी ऑफ दीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, जैसे मान लो 1000 रुपए से कम या 500 रुपए से कम है, तो आप उस पर परसेंटेज ऑफ दो। दोस्तों अगर आपका हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो वहां पे आप हमेशा कोशिश करो कि मनी ऑफ दो। और अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, ये अमेजोन भी रिकमेंड करता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम है, जैसे आपने 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, या फिर 500 का है या 600-700 तक का है मैक्सिमम, तो वहां पे आप जो है हमेशा परसेंट ऑफ दिया करो, ना कि मनी ऑफ दो। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहां पे आपने मान लो 200 रुपए का प्रोडक्ट है, वहां पे आप 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो या 5 रुपए का दे रहे हो, तो बायर को उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। तो वो बायर क्या करता है, कई बार वो क्लिक करके भी वो सोचता है कि यार 4 रुपए का डिस्काउंट है, क्या ही होगा, छोड़ो जाने दो, दूसरा मैं लिस्टिंग देखता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ। तो कई बार बायर को अट्रैक्ट करने में क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है कि लोग आजकल सस्ता प्रोडक्ट में अगर आप 2%, 3% या 4% का डिस्काउंट देने के बजाय अगर आप 10% का डिस्काउंट देते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है बायर को। और अगर आपका महंगा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो आपको 2000 का प्रोडक्ट है, वहां पे आप 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो बायर को वो भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आपने 2000 का प्रोडक्ट है, वहां पे आपने 2% या 5% या 10% डिस्काउंट दिया है, तो बायर को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। हो सकता है आपका जो कूपन का वैल्यू है, जैसे अगर आपने परसेंट, मान लो 2000 का प्रोडक्ट है, अगर आपने उस पर 10% दिया है तो वो होता है 200 रुपए। लेकिन अगर आपने उसी 2000 के प्रोडक्ट पे आपने मनी ऑफ दे रखा है 200 रुपए का, तो वो बायर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको लगेगा कि 200 रुपए का डिस्काउंट है। और वहीं पे अगर आप 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो लो प्राइस पे अगर आपने मनी ऑफ दे रखा है 4-5 रुपए, तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता। कम प्राइस प्रोडक्ट पे आप परसेंटेज ऑफ चलाओ और हाई प्राइस प्रोडक्ट पे आप जो है हमेशा मनी ऑफ चलाओ। दोस्तों थोड़ा सा हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अमेजोन के अगर हम बायर्स बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं शूज टाइप करता हूँ, मान लो मुझे शूज परचेज करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 30,000 लिस्टिंग शो कर रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है उस पर 48 लिस्टिंग शो कर रहे हैं दोस्तों। अब आपको ये ध्यान देना है कि 30,000 लिस्टिंग में आपको टॉप पे आना है, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है कि मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करें कि आपको प्रॉफिट भी हो और आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस सेलर ने सेव 5% का चला। ये जो ऑरेंज बैज आपको दिख रहा है, ये बेसिकली कूपन होता है जो हम रन करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, जैसे 1366 रुपए का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी महंगा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे और सस्ते प्रोडक्ट भी शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, जो ये ऑरेंज बैज दिख रहा है, ये अट्रैक्ट करता है बायर को कि इस पर क्लिक करें, एक बार इसको देखें कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेलर ने इस सेलर का प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 1546 रुपए, और इन्होंने मनी ऑफ चला रखा है दोस्तों यहाँ पे 100 रुपीज का। तो ये थोड़ा सा ज्यादा आई कैचिंग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सेलर को यही कंफ्यूजन है, मनी ऑफ या परसेंटेज ऑफ या बाई वन गेट वन। बाई वन गेट वन तो देखो शूज के केस में होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप बाई वन गेट वन चलाते हैं, कोई सेलर, कोई बायर है जिसको लेना है एक शूज, अब अगर आपने वहां पे वो दिखता है बाई वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट जो लेने आया वो भी नहीं लेगा, क्योंकि बाई वन गेट वन, क्योंकि वो दूसरा कस्टमर कहां से ढूंढेगा, किस साइज का ढूंढेगा, तो वो सारे चैलेंजेस होंगे। यहाँ पे मनी ऑफ और परसेंटेज ऑफ में देखेंगे ये प्रोडक्ट महंगा है, तो इन्होंने 1546 रुपए पे 100 रुपए का चला रखा है। आप यहाँ पे स्टैंड आउट होने के लिए, थोड़ा सा इस क्राउड से हटने के लिए, आप चाहो तो इस पे 150 रुपए भी कर दो। हाँ आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जैसे 1546 है, तो इसको आप 1600 रुपए कर सकते हो। तो वैसे में क्या होता है, मैं कूपन ज्यादा दिखता है, क्योंकि प्राइस तो आप देखोगे ये सब 1100 रुपए का प्रोडक्ट है, ये 909 रुपए का इसने कूपन नहीं चलाया है, इसने 1546 रुपए का प्रोडक्ट है और इस पे इसने जो है 100 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अगर आप स्क्रॉल करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे 1600 का प्रोडक्ट है, 1800 का भी है, 500 का भी है, लेकिन ये जो रिबन दिख रहा है यहाँ पे, जो ये बैज दिख रहा है,
ना ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि एक बार हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट। अब ये ब्रांड है पूमा है, लिमिटेड टाइम डील भी चल रहा है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन का भी टैग लगा हुआ है, कूपन भी चल रहा है, तो ऐसे में ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये जो बैस दिखता है ये लगता है कि हाँ वाकई में कुछ डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपकी लिस्टिंग पे 100 बायर आते हैं तो आप मान के चलो कि 10% का कन्वर्जन अमेजोन पे आ जाता है दोस्तों, तो ऐसे में 10 लोग आपके प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। तो लेकिन बात यहीं पे आती है कि आपके लिस्टिंग पे पहले लोग आए, उसके लिए आप इस तरह से कूपन अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा आई कैचिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं बचती कि वो कूपन चला पाए ना। तो आप पहले ये स्ट्रैटेजी ट्राई, क्योंकि कूपन चलाने पर आपको और भी फायदे मिलते हैं। जैसे आपने देखा अभी 30,000 लिस्टिंग्स अमेजोन पे शूज़ की कैटेगरी में हो रखी है दोस्तों, तो ऐसे में आप अगर आप नए नए सेलर हो तो आपकी लिस्टिंग हो सकता है बॉटम पे दिखे, मतलब 30,000 में आपका जो है 29,900 पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आपको रैंकिंग इंप्रूव करना है, मतलब पहले आपको 20,000 में आना है, टॉप 20,000 में आना है, फिर आपको टॉप 10,000 में आना है, फिर 5,000 में आना है। तो इस तरह से रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपको आपको एक तो जो है कॉन्टेंट प्रॉपर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इमेजेस हाई क्वालिटी का यूज करना है, कूपन्स वगैरह आपको रन करने। कूपन से क्या होता है, एक बार अगर क्लिक्स आ रहे हैं और अगर आपका प्रोडक्ट, देखिए होता क्या है रैंकिंग क्यों डाउन होती है, कई बार आप स्पॉन्सर्ड एड चलाते हो लेकिन कुछ खास, क्योंकि उससे आपको विजिबिलिटी तो मिल जाती है, आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखता है, लेकिन कस्टमर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पेज पे भी जाता है, चेक करता है, लेकिन उसको पसंद नहीं आता वो चला जाता है, वो स्किप करके किसी और प्रोडक्ट डिटेल पेज को देखने लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप कूपन चलाते हो तो वहां पे बायर को आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो बेसिकली कि आप ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है आपको। जैसे मान लो आपने 2,000 का प्रोडक्ट है, उस पर आपने ऐड चला रखा है, आप ऐड चलाएंगे आप पे क्लिक आएगा आपका स्पेंड हो जाएगा, उसके बाद अब बायर आपके डिटेल पेज पे आता है। अगर आपने कूपन भी उस पर चला रखा होता, मान लो आपने 2,000 का प्रोडक्ट आपने 200 रुपये उस पर कूपन चला रखा है, तो ऐसे में वो बायर को अट्रैक्ट करता है कि हाँ भाई 200 का कूपन चल रहा है, उस पर 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, इसको परचेज कर लेते हैं। जैसे ये ऐड है, अगर मैं इस पर क्लिक, हालांकि अभी मैं ऐड कर क्लिक कर रहा हूँ तो हो सकता है उस सेलर का अमाउंट भी जो है कुछ तो कट ही जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका कोई सेलर है, मान लो कोई बायर है, ये प्रोडक्ट देख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐड और ये साथ में दिख रहा है, ठीक है ना, ये तो ऐड नहीं, अच्छा अच्छा ये ऐड नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे ऐड दिख रहा है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड। तो अब चूंकि ये प्रोडक्ट देख रहा है उसको ये भी दिख रहा है, अगर आपने कूपन वगैरह नहीं चलाया, जैसे यहाँ पे कूपन नहीं चल रहा है, तो कई बार क्या होता है बायर को लगता है कि नहीं यार इसको भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चला उस पर डील चल रही है काफ़ी अच्छी खासी, आपने मान लो अब यहाँ पे जैसे ये सेलर है, इन्होंने 5% का डिस्काउंट, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ डिटेल पेज पे आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कूपन, क्योंकि कूपन अट्रैक्ट करता है, आई कैचिंग भी हो जाता है दोस्तों, भी लगता है कि हाँ भाई कूपन डिस्काउंट मिल रहा है इसको परचेज कर लेते हैं, सेल अभी खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये कन्विंसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक बार अगर बायर आपके डिटेल पेज पे आ गया, अगर वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो किसी और लिस्टिंग पे चला जाता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है आपकी रैंकिंग को खराब करने का। मतलब अगर क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट पेज पे कस्टमर आ रहा है, लेकिन अगर वो परचेज नहीं करता, वो चला जाता है तो स्किप कर देता है, तो वहाँ पे आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग खराब होती है, अमेजोन को लगता है कि आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आपके जो प्रोडक्ट जहाँ पे जैसे टॉप, अगर टॉप 5 में दिख रहा है तो वो टॉप 7 में दिखने लगेगा, धीरे धीरे रैंकिंग और बैक हो जाएगी और ज़्यादा पीछे दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपने मान लो अच्छा खासा 10% का डिस्काउंट दे रखा है, बायर आता है क्लिक करता है परचेज कर लेता है, तो आपका प्रोडक्ट अगर चौथे पेज पर दिख रहा था तो वो आपका दूसरे पेज पर दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से रैंकिंग काम करती है, और रैंकिंग इंप्रूव होता है तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सेल बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आपको जो एड स्पेंड है वो भी काफी इंप्रूव होता है। आप जहां पर बीट अगर आपने मान लो 1 क्लिक का आप 2 रुपए दे रहे हो, तो वहां पे आपका 1 रुपए लगने लगा, क्योंकि आपकी रैंकिंग जब इंप्रूव होती है तो वहां पे जो है बीट, जो क्योंकि अमेजोन का जो बीडिंग सिस्टम है वो इसी तरीके से काम करता है, रैंकिंग भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है अमेजोन में हमारे जो है कैंपेन को इंप्रूव करने में, कैंपेन की स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने में। तो एक तो ये हो गया, कूपन से हम अपने रैंकिंग इंप्रूव करेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा। सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ प्रमोट कर दीजिए, ऐड चला दीजिए और आपको सेल मिलने लग जाएगा। दोस्तों अमेजोन पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सब पे ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कूपन हम क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों अमेजोन पे कूपन क्रिएट करना बहुत ही आसान है। दोस्तों कूपन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ अमेजोन पे, और यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग पे दिख रहा है आपको कैंपेन, और यहाँ पे कूपन और प्रमोशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको कूपन पे क्लिक करना है।
कूपन आप प्रमोशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू कूपन का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बल्क में है, जैसे अगर आपके पास 2000 लिस्टिंग आपने कर रखी है सब पे आपको कूपन चलाना है तो आप बल्क ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 100-150 लिस्टिंग है तो वहां पे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअल करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिखता है स्टैंडर्ड और सब्सक्राइब एंड सेव, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में जाना है। ये सब्सक्राइब एंड सेव बेसिकली शूज के लिए नहीं होता, ये प्रोटीन पाउडर जैसे मान लो कोई या कोई फेस वॉश है जो कि रेगुलर यूज हो रहा है, ये कंज्यूमेबल आइटम है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब एंड सेव करने पे क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम किसी ने परचेस किया तो हमने 5% दिया, वहां पे हमने सेव पे ऑप्शन दे दिया कि अगर उन्होंने हमारी सब्सक्राइब एंड सेव कर ले लिया बाद में अगर वो परचेस करते हैं तो उनको हम 10% देंगे। तो इस तरीके से रिपीट कस्टमर के लिए होता है। लेकिन आपका शूज है तो शूज में तो रिपीट कस्टमर है, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट, आपको ये समझना है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, वो रिपीटेड कस्टमर वाला या वन टाइम वाला। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे हम जाएंगे और स्टैंडर्ड में जाने के बाद ऑल कस्टमर ऑडियंस टाइप में हम सारे कस्टमर पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एसिन सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से एसिन पे हमें कूपन रन करना है। देखिए एसिन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये एसिन है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिंग में इस पर टिक करना है। जैसे आप टिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे एक प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद मान लो आपको ये वाला भी प्रोडक्ट ऐड करना है कूपन के लिए, तो बेसिकली जिस जिस प्रोडक्ट पे आपको कूपन रन करना है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये कहा यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं, अब इन्हीं दोनों पे मुझे कूपन रन करना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे। स्टार्ट डेट मैं चाहता हूँ कि आज से कूपन रन हो जाए। देखिए जब हम कूपन क्रिएट करते हैं बेसिकली अमेजोन बोलता है कि मिनिमम 6 घंटे लगते हैं प्रोसेसिंग में, कई बार उससे पहले भी कूपन स्टार्ट हो जाता है। तो एंड डेट देखिए 90 डेज, 1 से 90 डेज का ही होता है, मतलब मैक्सिमम 90 डेज तक ही कूपन रन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 30th of August डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको देना है मनी ऑफ परसेंट। देखिए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है 500-700 रुपए है, तो मैं यहाँ पे मनी ऑफ नहीं दूंगा क्योंकि मनी ऑफ दूंगा तो मुझे क्या उतने सेल नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे 10% तो मिनिमम दो और परसेंटेज मेंशन करो, लो प्राइस प्रोडक्ट पे हमेशा परसेंटेज डालो और मिनिमम 10%, 2% नहीं, 3% नहीं, 5% सीधे 10% का दो। अगर आपको लगता है 10% में आपको लॉस होने वाला है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस मान लो आपने 200 रुपए रखा है तो उसको 220 कर दो, लेकिन आप हमेशा 10% का ही दो, 10% दो आप डाल के देखो। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने बहुत सारे सेलर्स को भी हेल्प किया है इस चीज में और उनको भी काफी फायदा मिला है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे लिमिट रिडेम्पशन टू 1 per customer मैं रिकमेंड करूंगा, तो आप इस पे चेक मत कीजिए, आप हमेशा अनचेक रहने दीजिए। क्योंकि ये बेसिकली होता है कि अगर आप एक बायर को चाहते हो कि एक बार वो परचेस कर लेता है कूपन के साथ तो दोबारा ना कर पाए वो, तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक रहूंगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार परचेस करे कूपन लगा के, हमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली हम सेल चाहते हैं तो हमें ये सब स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। देखिए अगर कोई प्रोडक्ट आपका परचेस करता है कूपन के साथ ऑफर के साथ तो वहां पे आपको पॉजिटिव रेटिंग्स रिव्यूज मिलते हैं अगर उसको प्रोडक्ट आपका पसंद आ जाता है तो। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम बजट आप 2000, वैसे यहाँ पे मिनिमम 1000 है, आप मैक्सिमम कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए मैं तो मिनिमम 2000 आप जितना ज्यादा डालें उतना अच्छा है, कम डालेंगे तो आपका यूटिलाइजेशन जैसे मान लो 80% होने के बाद कूपन बंद हो जाएगा, आपको ज़्यादा सेल आ रहा है फिर आपने कम डाल रखा है तो बाद में वो बंद हो जाएगा, कई बार हमें नहीं पता चलता है हमारी सेल डाउन हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको 2000 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये कस्टमर को शो करता है सेव 10% ऑन। अब यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि अमेजॉन ने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया है सेव 10% ऑन हैंड सैनिटाइजर। अगर आपका कुर्ती है, शूज़ है या कोई क्रिकेट शूज है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जैसे वैलेंटाइंस डे कोई सीजन चल रहा है जैसे वैलेंटाइंस डे तो वैलेंटाइन सेल डाल सकते हैं और मदर्स डे डाल सकते हैं। उसके अलावा जैसे मान लो कुछ भी नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्लियरेंस डाल सकता हूँ। क्लियरेंस बहुत अट्रैक्ट करता है मेरे हिसाब से, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो डिस्काउंट से अट्रैक्ट होते हैं ना वो इसलिए परचेज करते हैं। 90% का बायर जो अमेजोन पे आते हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, लोग अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे आप क्लियरेंस सेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद एक बार हम रिव्यू करेंगे कि हमने जो चीज़ें मेंशन की है सब कुछ प्रॉपर तरीके से है। उसके बाद प्रोडक्ट भी चेक कर लेंगे, अगर आपको और ऐड करना है तो आप यहाँ पे एडिट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे दोस्तों, सिंपली बहुत ही ईजी है। अब आपका कूपन जो है 6 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाएगा। आपको कूपन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ तो गो टू कूपन डैशबोर्ड पे जाना होता है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे अमेजोन बोलता है कि अगर आपको जो है ऐड रन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। हालांकि अभी आप कूपन जब आप रन कर रहे हो तो आपको कोई जरूरी नहीं आप ऐड भी चलाओ, यहाँ पे आप नो थैंक्स करके
आप इसको छोड़ सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कूपन क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से अमेजोन पे बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिक सेल लाने में कूपन हमारी मदद करता है। दोस्तों फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स दे दूंगा। दोस्तों जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है यार कि एटलीस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दिया करो यार, लाइक तो बनता है क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आपको वीडियो हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है, हम और मेहनत करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे जो वीडियोस हैं वो और ज्यादा लोगों को दिखते हैं। एटलीस्ट आप लाइक करोगे, अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब करोगे तो हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, हमें और ज्यादा मेहनत करने में भी मजा आएगा क्योंकि देखिए ये नॉन प्रॉफिट होता है, हम बेसिकली आपकी हेल्प के लिए ही ये सारा कुछ करते हैं। तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।